नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत, जय श्री राम। सावन का महीना, हर हर महादेव। जय हो, जय श्री राम। संदीप भाई, बाबा जी, एक हम और आपकी बड़ी चिंता है, पूरे प्रदेश की या पूरे समाज की, सबकी चिंता रहती है, ये जो वोकिज्म की नौटंकी चल रही है। और वोकिज्म की नौटंकी बॉलीवुड और फिल्मों और मीडिया और जुडिशरी हर जगह तो दिखती ही थी। एक जगह लगता था कि जो है वो इससे अछूता रहेगा, क्योंकि वहां पे प्योर परफॉर्मेंस का मैटर होता है। वहां कोई खिलाड़ी अपने बच्चे को खिलाड़ी नहीं बना सकता है अगर बच्चे में टैलेंट या वह दूसरे खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस में बीट नहीं कर सकता, चाहे वो सचिन तेंदुलकर जी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका पादुकोण की हो। सायना नेहवाल बैडमिंटन खेलेंगी तो वही जीत सकती हैं, क्योंकि वो लगा, और कई बार वो भी अपने प्रतिद्वंदियों से, मतलब नए अगर कोई आ गया कायदे का, जैसे टेनिस में भी हमने देखा, मार्केज करके नया यंग बंदा आया। पहलवानी में आप बार बार कहते हैं कि जूते ऐसे नहीं टांगे जाते जैसे साक्षी मलिक ने टांग दिए। जब कोई जूनियर पहलवान पटक के गिरा देता है ना, तब जूता टांगना पड़ता है। तो इट्स प्योर बॉडी परफॉर्मेंस। पर वो भला हो हमारे लेफ्टिस्टों का सर, मतलब उन्होंने बुद्धि लगा के यहाँ भी घुस गए ओलंपिक्स में सीधे। इसको ये आदमी, अब आदमी था, औरत हो गया है, क्या है भगवान जाने, मतलब इसमें क्या सीन है इसका। इमेन खलिफ, अल्जीरियन, इसने हराया है एंजेलिना कैरेनी को। इनको, ये महिला बॉक्सर हैं, और लाल वाले का जैसा फोटो दिखाया है, ये पहले पुरुष था, अभी ये हम महिला हो गए हैं, हमारे मन में आ गया कि आज हम महिला हैं, तो ये बॉक्सिंग में घुस गए और पुरुष के सारे फीचर्स, सारे बॉडी के टाइप्स एंजॉय करते हुए, बाकायदा XY क्रोमोसोम जो पुरुषों में डोमिनेंट फीचर होता है, उसको लेते हुए इन्होंने महिला बॉक्सर को फट से हरा दिया। और बेशर्मी की इंतहा कि मुस्कुरा भी रहा था, और मैं इसको औरत तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये आदमी ही है सर। अभी एक दूसरी नौटंकी चालू हो गई, एक और दूसरे बॉक्सर के साथ हो रहा है। स्पोर्ट्स को भी बर्बाद कर रहे हैं सर ये लोग, आपका क्या कहना है? ये एक संदीप भाई, एक बात बताऊं आपको। ये आपने देखा होगा, ट्रेनों में मांगते हैं आजकल, चौराहों पे मांगते हैं, सड़कों पे मांगते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं सर? ये दीज आर मेन। 99% ऑफ देम आर नॉट एक्चुअल उस कम्युनिटी को जिसको ये सर। सिर्फ मर्दों ने लिपस्टिक लगा ली है, दाढ़ी अच्छी तरह से बना ली है और साड़ी पहन ली है, ब्लाउज में नारंगी रुई के पफ रख लिए हैं। सर वो मर्द हैं एंड इट इज द बिजनेस। अच्छा, एक चीज और आपको बड़ी मजेदार बात बता दूं। मेरा एक दोस्त है, हमारे साथ का पहलवान था, RPF में, GRP में पोस्टेड है। तो एक बार मैं उसके साथ, हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में मिल गया, तो उसने बड़ी सेवा की। तो इधर जालंधर से दिल्ली जा रहे थे, तो मैं वॉशरूम गया तो देखा कि वो एक हिजड़े को उसने 2-3 झापड़ मारा कोने में ले जाके, एक वो जो, तो वो जब वापस आया मेरे पास, तो मैंने पूछा क्यों पीट रहा था भाई उसको। बोले साले काम नहीं कर रहे कायदे से। तो मैंने पूछा काम नहीं कर रहे मतलब? बोला ये ऐसे ही नहीं रेलों में घूमते हैं, बकायदा GRP इसका हिसाब किताब रखती है और GRP इनसे मोटे पैसे लेती है। ये जो वसूलते हैं ना, उसमें तो बहुत मोटा पैसा ऊपर तक जाता है। तो उसको जितना टारगेट दे रखा, वो 2 दिन छुट्टी मार गया था। तो ये पीट रहा था कि तू 2 दिन नहीं आया, हमें नहीं पता वो 2 दिन के भी पैसे चाहिए, तने छुट्टी क्यों मारी? बोला जब मैं बीमार था या कुछ इस टाइप का था। बोला वो सब नहीं पता हमने, वो 2 दिन के पैसे वसूली का चक्कर था जो वो एबसेंट था। फिर 2 थप्पड़ और मारे कि मैं तुझसे कही थी आदमी बढ़ा। मतलब अगर ट्रेन में 10 वसूली करते हैं इस सेक्शन में,
तो इसको 20 कर, हम आप परेशान होते हैं। तो सर ये जितने भी महिला का रूप धर के जो भी देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, ये जान लीजिएगा। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया है कि अब स्पोर्ट्स में भी होने लग गया है, और अब तो चूंकि ओलंपिक में इतना बड़ा मसला बन गया है, ये पूरी दुनिया निंदा कर रही है, पर ये जान लीजिए कि ये इसमें से 99% नकली हैं। ये मर्द हैं जो कि औरतों के सिर्फ कपड़े पहनकर, अब वेस्ट वालों को नया शौक चल रहा है कि थोड़ी सर्जरी करा लो, थोड़े वो इनहिबिटर्स इंजेक्शंस ले लो, प्यूबर्टी इनहिबिटर्स, प्यूबर्टी रोकने वाले हैं, और उसमें अब जो है उन्होंने साइंस घुसेड़ दी है कि सर्जरी करा के जो है मर्द से औरत बन जाओ। और फिर उसके सर ये, और सुनिए, ये फेमिनिनिटी टेस्ट आज से नहीं, बहुत पुराना होता आ रहा है सर स्पोर्ट्स में। मैं आपको बताऊं, 90 के दशक में, 80 के लेट 80s में हमारे इंडिया की एक हॉकी प्लेयर हुआ करती थी, नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, स्टिल रिमेम्बर हिम, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। Even she failed, once she failed the femininity जो टेस्ट होता है ना, वो भी फेल हो गई थी। उसके बाद आपका जो दुती चंद है, she is a women athlete, उसका बहुत बड़ा मसला चलता रहा। तो सर ये पुराना मसला है, पर ये जो नया जो जेंडर सेंसिटिविटी के नाम पे जो नई भसड़ दुनिया में फैली है, उसके तहत जो ये वोकिज्म का जो एजेंडा है, ये जो अभी लेटेस्ट जो प्रॉब्लम आई है, ये उसकी वजह से आई है कि अब तो साक्षात मर्द जो है थोड़ा छोटा सा ऑपरेशन करा के जो है औरत बन के जो है औरतों की प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहा है। अब तो वो तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए तो ओलंपिक है, इसमें थोड़े से स्ट्रेनिंग थोड़ा सा प्रावधान है यूरोप में, तो आपको सिर्फ इतना डिक्लेयर करना है कि मेरा सिर्फ शरीर पुरुष का है, परंतु मैं तो अंदर से मादा फील करता, बस इतना बोल देना पर्याप्त है, फिर आप मादाओं की सारी फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। आप मादाओं के बीच में रहेंगे, मादाओं के वॉशरूम्स को यूज करेंगे, मादा मेट्रो में गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसमें पुरुषों का यात्रा करना दंडनीय अपराध है, पर वहां उसमें यात्रा करने के लिए आपको सिर्फ इतना बोलना पड़ रहा है कि आई फील लाइक अ वुमन, तो फिर आप एक एडिशन और है सर जी, एंड माय प्रोनाउंस आर दे देम नॉट ही शी, और किसी ने बोल दिया मतलब ये ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, अरे हमको साला ही कैसे बोल दिया तुमने, या अरे भाई जैसे दिख रहे हो या जैसी हमारी आदत है, हमको भी तो थोड़ा समय दो समझने को, आज तुम्हारी इच्छा हो गई, कल को तुम्हारी इच्छा नहीं रही, तो हम अपना भाषा तुम्हारे अनुसार माथे पे लिखवा के घूमो, आज औरत है आज मर्द है, भाई हमको कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो भगवान ने हमको नजर दी है, बुद्धि दी है एक तो, और आपकी एक इच्छा फर्स्ट नेचुरल थॉट आया आज हम ऐसे हैं, उसमें कोई थॉट में फिल्टर नहीं लगाया कि भाई ये सही है गलत है नहीं है क्या है, जहां पे कंफ्यूजन नहीं है वहां भी कंफ्यूजन क्रिएट करना वामपंथियों का काम है। बताइए सर, स्पोर्ट्स में, आपसे पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बात करना चाह रहा था कि ये तो स्पोर्ट्स में को बर्बाद करने की कहानी है ना सर, ये स्पोर्ट्स इतनी महत्वपूर्ण पार्ट है एक इंसान के जीवन का कि आपसे मैंने जाना है ये कि स्पोर्ट्स एक इंसान को चरित्र देता है, टीम बिल्डिंग सिखाता है, गुरुओं की आज्ञा करना सिखाता है, पढ़ाई के अलावा सर कई बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, वो स्पोर्ट्स में कमाल के हो जाते हैं, आज उनका भी जीवन बर्बाद करने पे लगे हुए हैं सब, इसको कैसे रोका जाएगा सर जी? ये जो वोक एजेंडा है ना सर, इनको पूरी दुनिया को बर्बाद करना है, तो स्पोर्ट्स उस पूरी दुनिया को, वो जो पूरा जो एक इकोसिस्टम है ना स्पोर्ट्स, तो उसका एक सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है ना।
अल्टीमेटली सर इनको परिवार नामक संस्था को बर्बाद करना है। देखिए समाज को, समाज की जो सबसे छोटी इकाई है जो व्यक्ति है वो एक परिवार का हिस्सा है, तो सबसे पहले यदि आप परिवार को तोड़ दें, परिवार को भ्रष्ट कर दें, परिवार की जो व्यवस्था है यदि वो आपने भंग कर दी तो फिर इनका काम बहुत आसान हो जाता है ना। तो सर परिवार के लिए क्या है भाई, परिवार में पहले विवाह होगा, विवाह किसमें होगा, एक लड़के और एक लड़की में, फिर बच्चे होंगे, फिर वह परिवार आगे चलेगा। परिवार के बाद लोग कहते हैं ना कि पुराने जमाने में कि लौंडा बहुत हरामी है, लौंडा बहुत जो है इरेस्पॉन्सिबल है, बोले साले अभी आ कर दो, अपने आप जब जिम्मेवारी सिर पे पड़ेगी सुधर जाएगा। ये हमारे पुराने बुजुर्गों का तो सबसे फेवरेट पेट फॉर्मूला होता था ना कि बहू ले आओ, बहू दूठ बच्चा पैदा करेगी, दो चार साल में ही ससुर अपने आप सुधर जाएंगे। सर अब लड़का तो सेम सेक्स मैरिज कर लेगा, वामपंथियों का, वोकों का, तो बच्चे तो होंगे नहीं, तो बस अब कैसे सुधार लोगे लड़के को, बिगड़े हुए लड़के को। तो सर बात यह ना कि उसके लिए जो बेसिक इकाई है, लड़के को सिखा दो शादी करनी नहीं है, बोलो तुम शादी कर कह सकते हो, तुम्हारा तो अभी जेंडर ही जो है डिफाइंड नहीं है। तो सर बात यह है कि जब आप एकदम बेसिक इकाई को ही खराब कर दें तो फिर परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, आपने पूरा घोल दिया मंठा, कर लीजिए अब क्या करेंगे। तो सर स्पोर्ट्स तो इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है ना। अच्छा एक बात बताइए ना, महिलाओं के लिए जो आरक्षित थी उसमें तुम घुस गए खुद को महिला डिक्लेयर करके, तो फिर तो अब उसमें तो बहुत सारी चीजों, स्पोर्ट्स में घुसे, कल को राजनीति में घुसोगे, परसों और महिलाओं के लिए जो जहां जहां आरक्षण है वहां घुसोगे। कल को पता लगेगा कि सेम सेक्स मैरिज हो रही है इंडिया में भी, तो आखिर सर इसको भारत में भी हमारे हमारे सुप्रीम, नहीं अभी मैरिज को नहीं है डीक्रिमिनलाइज किया है, मैरिज के लिए आफत आई हुई है कि बकायदा एनजीओ लगे हुए सर, और वो एलजी सीजीआई साहब हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं सर। हाँ हार्वर्ड से पढ़े हुए एलजी को, एलजी को तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया, सेम सेक्स को कर देंगे बहुत जल्दी, इनके ऊपर इतना इंटरनेशनल। एक बात बताइए ना, उस लड़की ने जो हारी, कल तक तो वो बहुत हाय कर रही थी, रो रही थी, सारी दुनिया उसके साथ रो रही थी, हाय बेचारी के साथ अन्याय हो गया, इतना घुसा मार दिया 45 सेकंड में जो है मैदान से भाग गई बेचारी, बेचारी आज माफी मांगती फिर रही उससे। देखिए ना इनकी लॉबी कितनी स्ट्रांग है। आज अभी आपको मालूम है नहीं, वो इटली वाली जो हार के गल गई थी कल तो कितना रो रही थी ना, आज उसने उस अल्जीरिया वाले लौंडे से माफी मांगी है। क्या बात, अब आप देख लेते ना कि इतना दुस्साहसी है ये गिरोह कि इतनी बड़ी धृष्टता, इतनी बड़ी हिमाकत, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी माफी भी सामने वाले से मंगवा रहा है। इटली की उस बॉक्सर ने, महिला ने जो सचमुच लड़की है उसने उस इससे माफी मांगी है अल्जीरिया वाले से कि सॉरी मैं तुम्हें उस दिन गले नहीं लगा पाई, मैं इतनी दुखी थी। मतलब अब वही बात है वो कि है ना शेरो शायरी में होता है कि गर्दन काटने वाले को भी आपको हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता, हुजूर और जनाब कह के बात करनी है, तहजीब का मामला है भाई। इससे तो सर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मार के तुम्हारी नाक तोड़ दिया भी तो क्या, मार के तुम्हारी नाक तोड़ दिया तो क्या से, तुमने उसको फिर भी हाथ मिलाना है और उसको इज्जत देनी है क्योंकि और मैं कहूं उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब,
आहिस्ता आहिस्ता, वो नाक तोड़ दे मेरी, मैं कहूं हुजूर जरा धीरे धीरे मारिए। हाँ आप क्या कह रहे थे सर, प्लीज। मैं कह रहा हूँ सर कि इस अभी नेतन्याहू इजराइल वाले अमेरिकन संसद में गए, उन्होंने अपना भाषण दिया और इजराइल ने गाजा साथ जो भी कर रहा है ठीक है, क्योंकि 7 अक्टूबर को भी गाजा वालों ने बहुत कुछ किया इजराइल के साथ, छोटे छोटे बच्चे किए जलाए इन्होंने। खैर यहाँ आपकी वाली बात आती है कि हरामजदगी वो करके गए हमास वाले, ठीक है, उस पर मैं एक और बात जोड़ना चाह रहा था सर। और इसराइल को कहा जा रहा है नहीं नहीं तुम अत्याचार तुम कर रहे हो, चलो ठीक है, तुम कर रहे हो, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब वो गए नेतन्याहू, तो उनके सामने कुछ लोग कैपिटल हिल के सामने बोर्ड वोर्ड लेके बाकायदा प्लेकार्ड लेके कि गेज फॉर गाजा, तो नेतन्याहू ने कहा भैया गेज फॉर गाजा इज एज गुड एज चिकन फॉर KFC, क्योंकि गे हो गाजा में जाओगे तो तुमको साले छत से उठा के पटक देंगे नीचे, मरोगे नहीं तो दोबारा छत पे ले जाएंगे फिर गिरा देंगे, बड़ी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा देने की जो है सैंक्शनड है कि गेज है या LGBTQ है या लेस्बियन है। और ईरान में ये बहुत बड़ी धरपकड़ हुई थी जब आयतुल्लाह खोमैनी आया था। अब सर अल्जीरिया के आदमी मुसलमान है, मतलब स्पोर्ट्स में हरामजदगी करने के लिए, अब वाकई में गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में बदतमीजी करने के लिए, इस तरीके की बेगैरती करने के लिए इनका इस्लाम इजाजत दे रहा है इनको। ये तो, और वैसे अगर कोई दूसरा मिल जाए तो उसको मार देंगे। एक क्वियर कपल गया था सर गाजा में, उसको मार दिया वहां पे, वो गए थे देखने के वो यहाँ पे क्या हालत खराब है, मार दिया उसको। वोकिज्म, फेमिनिज्म, इस्लामिज्म, ये तीनों जो है आपस में धुर विरोधी हैं, लेकिन दुनिया पे कब्जा करने के लिए सब एक हो जा रहे हैं। वोकिज्म किसका नुकसान कर रहा है, महिलाओं का कर रहा है ना, महिलाओं के क्षेत्र में घुस रहा है, लेकिन फेमिनिज्म है जो इसी वोकिज्म को सपोर्ट करता है। अजीब घालमेल चल रहा है सर, कोई तारतम्य नहीं है, बस एक ही लक्ष्य है, दुनिया पर कब्जा, परिवार तोड़ देना है। और दुनिया पर कब्जा मिलिट्री रूप से नहीं, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, मानसिक रूप से दुनिया को जो कैप्चर कर लेना। ये बच्चे हैं, आदमी बच्चा पैदा, सर बताइए माँ को जो है आजकल कह रहे हैं बर्थिंग ह्यूमन बी, कि बच्चा दे दिया है, माँ बाप कहने की जरूरत नहीं। पर आप देखिए सर, जितनी अमेजोन प्राइम की सीरीज है, नेटफ्लिक्स की सीरीज है, जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, माँ गलत बाप गलत, मेरा बाप मेरा माँ गलत, माँ बाप गलत, लड़के के बच्चे के मन में जो आ गया वो सही, माँ बाप गलत। आपने एक चीज नोट की कि आजकल जितने भी हिंदुस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, yes. वो अपने बाप का मजाक, स्पेशली लड़कियां, yes. सारे के सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस अपने अपने बाप का मजाक उड़ाते हैं, क्यों सर? वो स्क्रिप्ट है, वो टूलकिट है सर, परिवार को yes. जोड़ के रखने में, परिवार की जो सबसे बड़ी धुरी, सबसे जो मेन पिलर होता है वो बाप होता है। और यह वोकिज्म वाली और ये कॉम्युनिस्टों वाली जो देश तोड़क, समाज तोड़क, दुनिया को जो खत्म करने के जो षड्यंत्र है, उसमें जब तक विवाह के साथ साथ, चलिए कुछ इतने ढीठ थे कि उन्हें भी आकर भी लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, तो बाप को तोड़ो, बाप को बच्चों से अलग करो, बाप को दुनिया का सबसे बड़ा विलेन घोषित करो, बाप को सबसे बड़ा खड़ूस घोषित करो, क्यों? बिल्कुल यही चल रहा है। परिवार को तोड़ना है तो पहले पहले माँ को भड़काओ कि तुम काहे खाना बनाती हो जी सबका, तुम भी जाओ मौज लो, सबसे पहले माँ को भड़काओ कि वो परिवार की देखभाल बंद कर दे, और उसके बाद बाप को विलेन घोषित करो। और उसके बाद तीसरी चीज सर, आप एक चीज और देखेंगे, किसी ने कोई गलती की है तो साइकोलॉजिस्ट बता रहा है कि बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए जो है तुम आज जो गलत कर रहे हो वो अलाउड है तुमको। ये भी है कि जब बाप साथ दे रहा है तो बच्चा भाग रहा है, और जब साथ नहीं दे रहा है तो
ये कि अरे मेरे साथ गलत हो गया, मतलब सारा चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का तो हमारा ही है। ये 45 सेकंड में नाक तोड़कर जो लौटा दिया उस अल्जीरियन ने सर, ये इन तमाम बड़ी बिंदी गैंग वाली फेमिनिस्ट दीदी लोग जो है ना, सर मैं ये इनका इनके साथ पोएटिक जस्टिस हो रहा है। अभी भी डीडी लोग अगर नहीं समझी तो ये जितने जेंडर सेंसिटिविटी वाले तमाम लौंडे हैं, बोले हम तो आई फील लाइक ए वुमेन और तुम्हारे बीच में घुस के तुम्हारा तो वो हाल करेंगे। और देखिएगा सबसे ज्यादा ये डीडी लोग ही मरेंगी, आप देख लीजिएगा सब इनके वो होता ना आजकल हर चीज में हम लोग जो है वो मीम बना देते हैं कि बड़का सूटकेस बड़का फ्रिज, सबसे ज्यादा बड़का सूटकेस बड़का फ्रिज में यही लोग पैक होके आएंगी। और ये सब बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा हो रहा है। इसी तरह मार मार के नाक जब इनकी तोड़ी जाएगी ना इन फेमिनिस्टों की, तब इनको पता चलेगा कि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो कितना खतरनाक। सर मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। मैं एक बात सर, मैं एक 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 मिनट का अलाउ कर दीजिए। जी 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 एक बात बताऊं सर, एक बात बताऊं आपको, ये जितनी तलाक लेके घूमती है ना, एक मिनट सर, सबसे बड़ा खतरा जब ये कहीं मार्केट में जब कभी अपना सीवी लिखती है ना, तो थोड़े दिन बाद जब ये तलाक ले लेती हैं, तो फिर इनको समझ में आता है साल दो साल में कि यार सिंगल होना तो बहुत खतरनाक है इस समाज में। तो वो अपने आप को सिंगल सीवी में डिक्लेयर नहीं करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि सिंगल शब्द देखते ही भेड़िए जो है क्या एक तो आ गई है, सिंगल तलाकशुदा है, ये मुलायम मांस है भेड़ियों के लिए। इनको बहुत जल्दी अकल आती है कि तलाक, मैं अपने पति को छोटी सी बात पे तलाक दे के जो अलग रह रही हूं, तो मैं इन भेड़ियों के लिए मुलायम मांस का टुकड़ा बन चुकी हूं प्लीज। और यह सर बहुत लंबा चलता भी नहीं है, जब भाई शरीर है, शरीर से कैसे लड़ लोगे। जब गाइड में देवानंद जी का डायलॉग है ना कि जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो मत पूछो के आलम रहता है, पर जब उतरता है पता चलता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल सर, वीडियो लंबा हो गया पर आखिरी सवाल, कुश्ती में अगर यही शुरू हो गया, बजरंग पुनिया जी ने हार गए जूनियर से, कल को उन्हें लगा कि अरे मैं आज महिला हूं, तो साक्षी मलिक जी के साथ लड़ लेंगे, फिर महिला में जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि इन लोग तो वही कर रहे थे ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, उनको कुश्ती में भी हो क्यों, बिल्कुल बॉक्सिंग में आ गया तो कुश्ती में क्यों नहीं आएगा। और तो साक्षी मलिक और फोगट जी लोग सबसे पहले हारेंगे, ऐसा इन्हीं लोग के साथ होना चाहिए बिल्कुल, या ऐसा तो नहीं होगा कि साक्षी मलिक को विनेश फोगट अपना कुश्ती महिलाओं से करवाएं और अपनी प्रतिद्वंदियों का कुश्ती जो है ऐसे लोगों से करवा दें। बिल्कुल, क्योंकि ये वाला भी कांड किया हुआ है। एक चीज बताऊं, ओलंपिक तक अगर बात पहुंच गई है इसका मतलब टॉप लेवल तक पहुंच गई है। अब आपको इसके रिपरकशंस आपको पूरे समाज में देखने को मिलेंगे और इसकी प्रतिक्रिया भी पूरे समाज में देखने को मिलेगी। और आप देख लीजिएगा आने वाले कुछ दिनों में बहुत हंगामा मचने वाला है इस विषय पे, इसको यहीं रोका जाना पड़ेगा। हाँ, इसको इस मुहिम को यहाँ अगर नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के उभरेगा ये वोकिज्म जो है। आज दुनिया के सामने जो जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक धार्मिक कट्टरता आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद और दूसरा वोकिज्म, ये मानवता के सामने बड़ी। जी सर एक आखिरी सवाल, अब बस आ गया है तो पूछ ले रहा हूँ आपसे, योगी जी हमारे जो है वो महिलाओं के प्रति उनका जो है व्यवहार बहुत सही रहता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है कटिबद्ध है, और जैसा हमने गोमती नगर वाली घटना में देखा कि महिला के साथ कुछ शोधों ने गलती की तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसका संज्ञान लिया। योगी जी किस प्रकार की महिलाओं के लिए, अगर यह घटना या इस तरीके की चीजें उनके सामने आती है, तो किस प्रकार की महिलाओं के प्रति उनकी ज्यादा
ज्यादा प्रतिबद्धता होगी, जो नेचुरल है, जो नॉर्मल है, या हमारी ये जो जो नई नवेली अपने मन में बन गई महिलाएं हैं उनके प्रति, उनका योगी जी क्या करेंगे सर? आपने बड़ा टिपिकल सवाल पूछ दिया है। अब इमेन अगर ये कह, ये आ जाए, ये कहे कि हम महिला हैं योगी जी, हमारे हमको बचाओ, इसका क्या करेगी योगी जी? सर अब मुझे अब ये तो बड़ा सर डिफिकल्ट सवाल है कि अगर ये साड़ी साया ब्लाउज पहन के लिए और लाली लगा के जो है पायल बिछिया पहन के जो है हैं मंगलसूत्र पहन के पहुंच जाएगी तो मोदी योगी जी करेंगे क्या? मुझे तो वाकई सोच के मुझे तो बड़ा मैं तो एकदम भकुआ गया हूँ आपका सवाल सुनके कि अगर ऐसा आदमी कोई पहुंच जाए योगी जी के पास कि मुझे लड़के छेड़ रहे थे। नहीं नहीं मुझे एक समाधान समझ में आ रहा है सर। क्या योगी जी एक रात में इसको यूपी पुलिस को देंगे और अगले दिन ये वापस पुरुष होके निकलेगा, कहेगा हम पुरुष ही ठीक थे भाई साहब। क्या करें सर, मतलब आप बताइए व्हाट कैन वी डिस्कस अबाउट दिस इंसैनिटी। ये तो सर ओलंपिक में जो हुआ है ना इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। कौन लोग हैं, कहां से आते हैं जो इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देकर, और सबसे घृणित बात सर जो आपने मुझे बताई कि कैरोलिन से माफी मंगवाई है इसी मेन खलीफ को लेकर। मतलब सबसे घृणित ना, मतलब दृष्टता की हद, घटियापन की हद सर। दृष्टता वगैरह तो शब्द, अब शब्दों की मर्यादा यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती। मेमना भेड़िये का शुक्रिया अदा करने जा रहा है कि सब आई फील ऑनर्ड कि अब आप मुझे खाने जा रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन। आई डोंट हैव एनीथिंग सेड टू से, मतलब आई डोंट नो, दर्शकों से बस यही रिक्वेस्ट की अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ये सब तो सर कहने की इच्छा भी नहीं हो रही, ऐसा ऐसा चर्चा किया है, ऐसा विषय पे बात हुई है कि क्या ही कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, प्रणाम।